अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ गुलजार अहमद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो टॉपिक है एवरेज के बारे में पढ़ेंगे, और एवरेज में हमने आज मीडियन के बारे में पढ़ना है। तो मीडियन पढ़ने से पहले जो है मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने जो है वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसमें जो क्लिक कर बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको जो है वो नोटिफिकेशन में मिल सके। चलिए मीडियन स्टार्ट करते हैं। मीडियन को मीडियन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मीडियन का कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि मीडियन क्या होता है। इसको उर्दू में वस्तानिया भी कहते हैं, यानी दरमियानी। इसकी डेफिनेशन यूँ है कि मीडियन इज डिफाइंड एज द वैल्यूज विच डिवाइड्स अ रेयर सेट ऑफ डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यानी मीडियन तरतीब दिए हुए डेटा को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। मीडियन इज डिफाइंड एज द वैल्यूज विच डिवाइड्स द रेयर सेट ऑफ डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो अभी इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैं राइट डाउन करता हूँ। मीडियन क्या है कि मीडियन इज डिफाइंड एज द वैल्यूज विच डिवाइड्स द रेट सेट ऑफ डेटा इंटू टू इक्वल पार्ट्स। मीडियन तरतीब दिए हुए डेटे को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। इसका मतलब है कि मीडियन को सबसे पहले आपने अरे करना है, तरतीब देना है। मीडियन को किससे साथ दिया जाता है? एंड इट इज डिनोटेड दैट एंड इट इज डिनोटेड एज एक्स चिल्डा। एक्स मीडियन या एक्स चिल्डा। तो मीडियन दो तरह का होता है, मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा और मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। तो मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा के बारे में हम पहले पढ़ते हैं कि मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा क्या है। मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा, सबसे पहले मैं इसका जो है वो फार्मूला राइट डाउन करता हूँ। फार्मूला क्या है? मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस वन ओवर टू स्क्वायर। एन प्लस वन ओवर टू स्क्वायर। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इसमें वन प्लस करें, ओवर टू करेंगे तो जो आगे वैल्यू आएगी वो मीडियन को। तो इसके लिए कोई भी हम डेटा जो है वो ले लेते हैं। फर्ज करो हमारे पास डेटा है 10, 15, 12, 18, 24 या 25। तो ये हमारे पास डेटा है। इसका मतलब है n इज इक्वल टू क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। n इज इक्वल टू 6। लेकिन सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मीडियन हमने डेटे को अरे करना है, तरतीब देना है। तो तरतीब इसकी देनी, तरतीब जो है वो असेंडेंट ऑर्डर में देंगे। 10, 12, उसके बाद 15 आ जाता है, उसके बाद 18 है, फिर 21 है, और फिर 25 है। वैल्यू तो नहीं, 6 की 6 ही नहीं है, 6 की 6 ही है, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया? तरतीब दे दी। ये हमारी अरे डेटा है, ये हमने अरे कर दिया, तरतीब दे दी। उसके बाद जो है इसको फार्मूले में जो है वो पुट कर। तो फार्मूले में अभी जो हम पुट करने लगे, डेफिनेशन जो है वो इसको रेज करने लगा हूँ जी। फार्मूला क्या है? मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस वन ओवर टू ट्वेल्व जी। एन एन कितनी वैल्यूज है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 + 1 over 2 ट्वेल्व। 6 + 1 7 over 2। तो 7 over 2 क्या होगा? 3.5। साथ में क्यों टी एच वैल्यू लगाते? तो 3.5th वैल्यू। इसको कैसे करके लिखेंगे? इसका मतलब है थर्ड वैल्यू, थर्ड वैल्यू प्लस का ये पॉइंट का 5 मल्टीप्लाई बाय एच। फार्मूला कुछ यू बन जाता है।
थर्ड वैल्यू प्लस का ये 0.5 मल्टीप्लाई बाय h, h होगा ये थर्ड वैल्यू है, तो इससे अगली वैल्यू का जो फर्क होगा वो h होगा। तो यहाँ से सबसे पहले तो थर्ड वैल्यू देखे ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो थर्ड वैल्यू कितनी है 15 प्लस का ये 0.5 मल्टीप्लाई बाय h। अब ये थर्ड वैल्यू अगर 15 है तो 15 से आगे वाली वैल्यू का फर्क देखना है। ये थर्ड वैल्यू, ये फोर्थ वैल्यू है, इन दोनों का फर्क है वो कितना है 3 का। 15 और 18 का यानी फासला कितना है 3। तो 15 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 1.5 आ गया। तो 15 में इसको जो है वो ऐड कर दें तो कितना बन गया 16.5। सो दिस इज आवर आंसर, ये मीडियम फॉर अनग्रोटेड। फिर देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, कोई डेटा लेना है, हमारे पास ये डेटा था, सबसे पहले इसको हमने तरतीब दिया, तरतीब इसकी असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे दी। तो एन इज इक्वल टू 6 है, 10 12 15 18 21 और 25 फार्मूला लिखा, मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस 1 ओवर टूथ वैल्यू। तो एन आपका कितना है 6 वैल्यू है, 6 प्लस 1 ओवर टूथ वैल्यू, 6 प्लस 1 7 7 और 2 इसके बराबर होता है 3.5, साथ में डीएच वैल्यू लिखो। तो फार्मूला यू बन गया, थर्ड वैल्यू प्लस का 0.5 ये वाला 0.5 मल्टीप्लाई बाय एच। तो थर्ड वैल्यू कौन सी है, पहली दूसरी तीसरी, ये थर्ड वैल्यू 15, तो थर्ड वैल्यू की जगह हमने 15 लिख दिया, प्लस का 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, एच एच फर्क कैसे मालूम करते हैं, तो ये थर्ड और फोर्थ का जो डिफरेंस होगा, यानी जो आपकी वैल्यू आई है इससे अगले वाली वैल्यू का फर्क। तो ये थर्ड वैल्यू थी तो हम फर्क जो है वो फोर्थ वैल्यू को देखेंगे। तो ये देखेंगे फोर्थ वैल्यू जो है वो क्या, तो फोर्थ वैल्यू 18 है तो फर्क कितना आ गया 3 आ गया। तो इन 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 1.5 आ गया, तो 15 को इसके ऐड करें तो 16.5 और ये हमारा आंसर है। तो इसके बाद जो हम मीडियम फॉर ग्रुप डेटा जो है वो करते हैं, मीडियम फॉर ग्रुप डेटा क्या है, ये था मीडियम फॉर अनग्रुप डेटा। ये स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा, अभी हम जो है मीडियम फॉर अनग्रुप डेटा ग्रुप डेटा के बारे में जो है वो पढ़ते हैं। मीडियम फॉर ग्रुप डेटा क्या है, मीडियम फॉर ग्रुप डेटा जी, सबसे पहले इसका फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या है, एल प्लस एच ओवर एफ एन बाय टू माइनस सी। अब ये एल क्या है, एच क्या है, एफ क्या है, एन क्या है, सी क्या है। L है लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडी क्लास, L क्या है, L इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट है, और ये अपने बाउंड्री क्लास से लेनी है, मॉडल क्लास से लेनी है। और H जो है वो फर्क है, इसको विड्थ भी कहते हैं, और F जो है वो फ्रीक्वेंसी है, F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, ये फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास वाली लेनी है, और n आपका जो है वो टोटल नंबर है या टोटल फ्रीक्वेंसी है, और c आपका क्या है, कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास। और c आपका कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी है, तो ये जो कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी और एज है इसको मैं उस वक्त भी बताऊंगा जब हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो एक एग्जांपल लिख लेते हैं, तो एग्जांपल जो है वो उसके बाद इसको जो है वो सॉल्व आउट करें जी। जी इसमें जो है वो क्लास इंटरवल है 6 to 10, 11 टू 15, 16 टू 20, 21 टू 25, 26 टू 30 एंड 31 टू 35। एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो ले लेते हैं 1, 2, 3, 2, 1, 1 क्लास इंटरवल मैंने लिया 6 to 10, अगला है 6 to 10 जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, 11 to 15 की 2 है,
16 टू 20 की 3 है, इसी तरह जो है वो अगले वालों की फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसमें ये जो क्लास इंटरवल है इसमें ये वाला लोअर लिमिट होता है और ये वाला जो है वो अपर लिमिट होता है। ये वाला लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, यानी इसे जेरी हद कहते हैं, इसे बालाई हद भी कहते हैं। तो मीडियम का फार्मूला जो है वो पहले हमने लिखा था कि फार्मूला जो है मीडियम का क्या होता है, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए इसमें। L प्लस एच ओवर एफ एन बाय टू माइनस सी, इसका मतलब है सबसे पहले तो हमने इसका जो है वो क्लास बाउंड्री बनानी है जिससे हमने जो है वो एल लिखा। तो क्लास बाउंड्री में देखते हैं कि ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। इसकी अपर लिमिट अगले वाली क्लास की लोअर लिमिट के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देखें कि क्या ये बराबर है, इसकी अपर लिमिट है 10, इसकी लोअर लिमिट है 11, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि हमें बराबर करना पड़ेगा। इसको बराबर करने का बड़ा आसान तरीका है, ये है कि इनका फर्क देखने आप कितने का, ये 10 है, ये 11 है, तो इसका फर्क है जी 1 फर्क, 1 डिफरेंस, जो भी डिफरेंस आए उसको ओवर टू कर लें, तो ये आ गया 0.5। फिर देख लें कि ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, इन दोनों का आप डिफरेंस देख लें, इन दोनों का फर्क देख लें, फर्क इन दोनों का 1 आया है, उसको ओवर टू कर देना है, वो आ गया 0.5। तो जो ये आया है 0.5, इसको जितनी भी आपकी लोअर लिमिट्स हैं इसमें से माइनस कर लें, और जो आपकी अपर लिमिट्स हैं उसके में इसको जमा कर लें, ऐड कर। तो अभी हम करते हैं, तो 0.5 को इन सब में से माइनस कर दें, इन सब में प्लस कर दें, इसमें से माइनस किया तो ये आ गया 5.5, इसमें ऐड किया तो कितना आ गया 10.5, इसमें से माइनस किया तो 10.5, इसमें ऐड किया तो 15.5, सिमिलरली 15.5, 25.5, 25.5, 30.5, 30.5, 35.5, 30.5, 35.5, ओके। सो ये हमारा सी क्लास बाउंड्री। तो अब जो है वो एक और था हमारे पास, ये सी कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है कि कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो भी हमने निकाल ली। तो कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है जी? कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है कि हर अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं। ये फ्रीक्वेंसी देखें, पहले जो 1 है 1 की 1 वैसे ही लिखते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज बी नोटेड दैट लास्ट एलिमेंट ऑफ कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मस्ट बी द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो आखिरी एलिमेंट है ये 10 है, तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए। इसको जमा करके देख लें, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 1, इनको जमा करें तो ये 10 आ गया, तो 10 के बराबर है। इसका मतलब है हमारी कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक कितनी है। अब जो है वो फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूला हमारा पास क्या है, एल इज एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई टू माइनस सी। तो एल प्लस एच ओवर एफ एन, एन कितना है टोटल नंबर, 10, 10 ओवर 2 माइनस सी, तो 10 ओवर 2 कितना आता है 5। अब 5 को आपने सी की भी देखना है, सी एफ पे देखना है, कैलकुलेटर फ्रीक्वेंसी देखना है, ये जो 5 आया है इससे ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा हो और कम से कम ज़्यादा हो, ज़्यादा तो इसमें 10 भी है, 9 भी इससे ज़्यादा है, 8 भी ज़्यादा है, 6 भी ज़्यादा है, तो कम से कम ज़्यादा क्या है 6, इसके लिए तो मैं दायरा लगा देता हूँ। ये देख लें, एन ओवर टू, एन कितना था आपके पास, एन सम ऑफ एफ है, समेशन एफ है, तो ये 10 था, एन ओवर टू किया तो 5 आ गया, तो 5 को आपने सी एफ में देखना है कि 5 से ज्यादा हो गए, तो सी एफ में 5 से ज्यादा 6 भी 8, 9, 10 ये चारों ज्यादा है, लेकिन कम से कम ज्यादा क्या है 6, तो इसके लिए मैंने दायरा लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया मीडियम। तो इसका मतलब है मीडियम की ये क्लास है, मीडियन की ये क्लास है, तो इससे ऊपर वाला सी होगा कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे ऊपर वाला क्या होगा सी, ये वाला सी,
कितने हैं, थ्री है। अब एल भी निकल आएगा, एच डी एफ डी, तो एल इसी के अंदर जो मैंने दायरा लगाया है क्लास बाउंड्री में जो लो लिमिट है वो आपकी एल है। इसी पे ये जो मैंने मीडियम की क्लास के अंदर दायरा लगाया है इसमें जो क्लास बाउंड्री के अंदर लो लिमिट है वो क्या है, एल है। और ये कितनी है, 15.5। एल इज इक्वल टू क्या है, 15.5। एच एच फर्क होता है, डिफरेंस होता है, ऐसे जो है वो देखा जाता है, ये 6 है, 11 है, 15 है, 5 का फर्क है, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे देख सकते हैं, 5 का फर्क है। तो एज कितना है, 5 है। फ्रीक्वेंसी इसी मॉडल क्लास, ये जो मॉडल क्लास है आपकी, ये जो इसकी मीडियम की क्लास है इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका एफ होगा, तो इसमें 3 है। आगे इसको सॉल्व कर लें, 15.5 + 5/3 ये आ गया 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 15.5 + 10/3, तो 15.5 + 10/3 कितना होता है, 3.33। इसको ऐड कर दें तो ये आ जाएगा जी 18.83। एंड दिस इज आवर आंसर। सो फिर देख लें एक दफ़ा कि मीडियम का फार्मूला क्या आता है, एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई टू माइनस सी। ये फार्मूला था, इसमें हमें ये चीज़ें दी थी, क्लास इंटरवल दी थी, फ्रीक्वेंसी दी थी, क्लास बाउंड्री हमने निकाल ली। क्यों निकाली, बाद अवकात ये स्टूडेंट्स क्लास बाउंड्री बनी होती है, उसको निकालने की जरूरत नहीं होती। अगर तो क्लास इंटरवल में अपर लिमिट, पहली क्लास की अपर लिमिट अगली की लोअर लिमिट के बराबर हो तो फिर सीधी निकालने की जरूरत नहीं है, अगर बराबर ना हो तो फिर सीधी निकालनी है। कैसे निकालनी है, इन दोनों का फर्क, यानी पहली क्लास की अपर लिमिट अगली क्लास की लोअर लिमिट दोनों का फर्क देखें। यहाँ पे 1 है, 1/2 कर दें तो 0.5 आ गया, तो 0.5 को लो लिमिट में माइनस कर देंगे ये आ गया, और अपर लिमिट में माइनस कर देंगे ये आ गया। आगे कैलकुलेटर फ्रीक्वेंसी हमने मालूम के लिए कर ली कि 1 का 1 है, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10। तो मैंने इसमें बताया था कि लास्ट एलिमेंट कैलकुलेटर फ्रीक्वेंसी का टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे ये जो बराबर है, फार्मूला लिखा, फार्मूला में एन की जगह एन की वैल्यू लिखी, एन या समेशन एफ ग्रुप लेटर में बराबर होता है, तो 10 आगे 10/2 किया तो ये 5 आ गया। और 5 को सी एफ में देखा था, कैलकुलेटर फ्रीक्वेंसी में देखा था कि 5 से ज़्यादा हो सी एफ के जो पालन है उसके, तो 6 भी ज़्यादा है, 8 भी ज़्यादा, 9 भी, 10 भी, लेकिन कम से कम ज़्यादा हो, कम से कम ज़्यादा क्या है, 6। तो इसके लिए दायरा लगाते हैं, ये हमारी मिनिमम की क्लास है, इसी सी एफ के ऊपर वाला आपका कैलकुलेटर फ्रीक्वेंसी होगी, ये 3 है, ठीक है। और ये L जो है वो आपका CB के अंदर लो लिमिट 15.5। एज आपका फर्क होता है, ये 5/5 है, ये 10/5 है, 15/5, 20/5, ऐसे CB में देख लें या क्लास इंटरवल में देख लें, CA में देख लें कि 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35, ऐसे देखना है, ऐसे नहीं देखना, यदि ये वर्टिकली देखना है, हॉरिजॉन्टल नहीं देखना। तो ये आपका L है 15.5, ये हमने लिख लिया, एज आपका 5 था वो हमने लिख लिया, देख लें 10, 15, 20, 25, 5 का फर्क है लिख लिया। ओवर F, F ये फ्रीक्वेंसी के अंदर, ये जो मीडियम की क्लास है इसी के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका F होगा, ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो 5 में से 3 है 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 10/10/3 जो है वो कितना आ गया, 3.33, इसमें इसको ऐड कर दें तो ये 18.83 ये हमारा आंसर आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ आ गई होगी, अगर आपको समझ आ गई है तो इस वीडियो को जो है वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है वो क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स और मोड के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, कहीं नहीं जाइएगा। अल्लाह।